का आज जयपुर होते हुए झुंझुनू जाने का कार्यक्रम है। सीएम गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर के लिए निकलेंगे और दो दिन तक जोधपुर में मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क किया। आपको बता दें कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पहला जोधपुर दौरा था, जहां पर उन्होंने दो दिन तक जनसंपर्क किया, लोगों से बातचीत की, उनका समर्थन मांगा, साथ ही दशहरे के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। दो दिन तक जोधपुर में रहे और आज उनका जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके बाद झुंझुनू के लिए जाएंगे, जहां प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होंगे। तो आपको बता रहे हैं खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी, जहां दो दिन के जोधपुर दौरे के बाद आज जयपुर होते हुए झुंझुनू जाने का उनका कार्यक्रम है। सीएम गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे और दो दिन तक जोधपुर में जनसंपर्क के बाद जयपुर आएंगे और जयपुर से झुंझुनू के लिए रवाना होंगे, जहां प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद में मुख्यमंत्री का जोधपुर अपने गृह क्षेत्र में पहला दौरा था, जहां उन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से बातचीत की, लोगों से और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए जोधपुर से हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्या कुछ जानकारी जितेंद्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 बजे यहां से जयपुर के लिए निकलेंगे, जयपुर से झुंझुनू जाएंगे, जहां पे प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है, वहां शिरकत करेंगे। तो अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं और यहां से 10 बजे निकलने का इनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। जी जी, और दो दिन तक जोधपुर में रहे, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, दशहरे के मेले में हिस्सा लिया, किस तरह से जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने जितेंद्र? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और इसके साथ ही सबसे चर्चित विषय रहा जो देर रात को भाजपा की विधायक सूर्यकांत व्यास से मिलने पहुंचना। रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मिलने पहुंचे थे और उसके बाद चर्चाएं और कयास कहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब रात को मिले थे तो सूर्यकांत व्यास का टिकट हाल ही में कटा था और उसको लेकर के भी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही आपको बता दें कि इन दो दिनों में सघन जो है इन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया और तमाम जो लोग हैं उनको अपनी बोलावन दी और जुग इस चुनाव में जुट जाने के लिए कहा गया। जी बिल्कुल जितेंद्र, अगर हम बात करें जनसंपर्क अभियान की, तो मुख्यमंत्री ने बचत राहत और बढ़त की बात की, महंगाई राहत कैंप की बात करी, किस तरह से सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, किस तरह से उन्होंने कोशिश की जनाधार को मजबूत करने की? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक अपनी जनसभा में अपनी योजनाओं के बारे में जिक्र किया, यहाँ तक कि जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना, उसका जिक्र किया। तमाम योजनाओं को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो मांगा सब कुछ दिया है, अब आपका समय है और आप जनता माई बाप होती है, मैंने जनता के लिए दिल खोल के दिया तो अब जनता भी मुझे पूरा सपोर्ट और समर्थन करे ताकि फिर से एक सरकार बना के ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को और अधिक बढ़ाया जा सके और मजबूती के साथ काम किया जा सके। इसको लेकर के जो है तमाम अपने जगहों पर इस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं के साथ साथ अपने सरकार द्वारा रिपीट करने के लिए अपील की गई। जी जितेंद्र, जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और ऐसे में जब वो चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पहुंचे, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, किस तरह का उत्साह देखने को मिला आम जनता में, कार्यकर्ताओं में उनके आने से? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर पहुंचते हैं तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के बीच में अपना जननायक को पाना और जननायक लोगों के बीच आता है तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब उनके साथ सेल्फी लेना, उनके साथ मिलना, उनसे हाथ मिलाना, हर ललायत रहते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद मुख्यमंत्री जो है उनके जननायक उनके बीच में, उनके जो सुख दुख को सुनने वाले उनके बीच में आते हैं और मुख्यमंत्री कई बार कहते भी हैं मैं था सो दूर नहीं, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, जहाँ भी रहूंगा लेकिन आप मेरी सरदारपुरा की जनता और जोधपुर की जनता मेरे साथ रहेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ जोधपुर से जितेंद्र डूडी, जिन्होंने बताया क्या मायने थे दो दिन के उनके जोधपुर दौरे के और अब वो जोधपुर से रवाना होकर जयपुर होते हुए झुंझुनू की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होंगे।